हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राज रसोई में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पापड़ की सब्जी। ये पापड़ की सब्जी बहुत ही कम टाइम में बन जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी होती है। आप इस सब्जी को इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलो हम पापड़ की इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करते हैं। तो पापड़ की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 5 पापड़ लिए हैं। पापड़ 2 तरह के आते हैं, आप इससे बड़े पापड़ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर छोटे वाले पापड़ लिए हैं। तो अब हम पापड़ को सेक लेंगे। तो पापड़ को सेकने के लिए तवा को गर्म करेंगे और कपड़े से इस तरीके से दबाते हुए सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, पापड़ को आप चाहे तो सेक कर डालें या फिर कच्चा भी डाल सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स, पापड़ को इस तरीके से सेक कर डालने से सब्जी हमारी थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन आप अपने टेस्ट के अनुसार पापड़ को कच्चा भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से पापड़ को सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से तवे पर नहीं सेकना चाहते हैं तो आप पापड़ को तेल में फ्राई कर सकते हो या फिर डायरेक्ट गैस पर भी सेक सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब घर में कोई सब्जी ना हो तो पापड़ की इस सब्जी को आप 5 मिनट में ही बनाकर तैयार कर सकते हो। ये 5 मिनट में ही बन के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सारे पापड़ सेक कर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम पापड़ को तोड़ लेंगे। तो पापड़ के हमें ज़्यादा छोटे टुकड़े भी नहीं करने और ना ही ज़्यादा बड़े करने हैं। पापड़ के हम इस तरीके से मीडियम साइज़ के टुकड़े कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पापड़ के हम ज़्यादा छोटे टुकड़े करेंगे तो पापड़ हमारा बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो ये सब्जी में ही मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़े मीडियम साइज़ के बड़े टुकड़े ही रखने हैं। तो फ्रेंड्स, पापड़ के टुकड़े कर लिए हैं और इधर गैस पर तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है और हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच ही राई डालेंगे और 1 चुटकी हींग डालेंगे। और जीरा राई हमारा हल्का सा भुन गया है तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो मैंने इस कटोरी से 1 कटोरी भर के बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। प्याज को हल्का सा भून लेते हैं और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो प्याज हमारी हल्की सी भुन गई है। तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है, टमाटर को भी डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, टमाटर को प्याज के साथ अच्छे से मिला दिया है और अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक हमें अपने टेस्ट के अनुसार डालना है क्योंकि पापड़ में भी हल्का सा नमक होता है। तो अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो मसालों में 1 चम्मच और थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। तो फ्रेंड्स, लाल मिर्ची का पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर का पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर अमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो, क्योंकि ये सब्जी थोड़ी खट्टी चटपटी ही अच्छी लगती है। तो इसको मिला दिया है और अब हम मसाले को बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, जिससे कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मसालों को 2 मिनट के लिए पका लिया है और ये देख सकते हो मसालों ने तेल भी अच्छे से छोड़ दिया है। तो इसको मिलाएंगे। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास भर के पानी डाल रही हूँ और अब हम इसमें पापड़ डालेंगे और हल्का सा इस तरीके से मिला देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे। तो ये देख सकते हो सब्जी को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं और पापड़ भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें सब्जी को सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है, क्योंकि पापड़ बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्जी हमारी तैयार है। तो गैस को बंद कर दिया है और सब्जी को ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्जी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है। तो अब सब्जी को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और फ्रेंड्स, ये देख सकते हो सब्जी को देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि पापड़ की सब्जी हमारी कितनी ज़बरदस्त चटपटी बन के तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, जब भी घर में कोई सब्जी ना हो तो पापड़ की सब्जी को एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं। आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए और सब्जी खाना तो भूल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पापड़ की सब्जी की ये रेसिपी कैसी लगी,
रेसिपी को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।